Hello friends, welcome to my channel Kiwi Indian Couples. It's my fifth vlog and this vlog is about FIFA World Cup 2023 women's football match jo ki New Zealand mein ho raha hai and New Zealand Wellington the main station. So ye match tha between USA and Netherlands. It was so fun, crowdy and bahut ज़्यादा लोग आ रखे थे. टिकट्स आर ऑल फुल क्योंकि इतना ज़्यादा क्रेज़ था इन दोनों के बीच में मैचेस देखने का. इवन यूएसए से इतने सारे लोग अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ आ रखे थे एंड वी ऑल्सो वेन देयर क्योंकि एक तो ऑफ था, ठीक है. सेकेंड थिंग इज़ सनी डे जो कि क्वाइट यहाँ पे होता ही नहीं है, ऑलमोस्ट होता ही नहीं यहाँ पे. एंड थर्ड वन इज़ obviously the matches and the women power. So कुछ interesting था तो हमने plan किया चलो हम देखते हैं. हमें आगे seat तो नहीं मिल पाई but हमें last में last you know the one the seat मिल गई which is far better than nothing. तो opening timing थी approximately 1 o'clock and हम लोग आज गए थे train से. कार से जा सकते थे लेकिन हमने सोचा कि ठीक है आज दिन इंजॉय करते हैं, इतना अच्छा चला और चल रखा है दिन. सो हम लोगों ने अपनी कार स्टेशन पे खड़ाई एंड ट्रेन लेके फ्रॉम अपर हर्ट टू वेलिंगटन स्टेशन हम लोग वहाँ पे पहुँचे. जैसे ही हम स्टेशन पे पहुँचे ऑलरेडी भीड़ इतनी ज़्यादा थी वहाँ पे, क्राउड बहुत ज़्यादा था. हमें लगा कि हमें पता नहीं सीट नहीं मिलेगी, हम लोग कैसे वहाँ पर पहुँचेंगे. एंड जहाँ पे वेलिंगटन स्टेशन है ना जस्ट यू नो द ऑपोजिट साइड वहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है फ्लाईओवर चढ़ के जाना पड़ता है विच इज़ नॉट टू फार फ्रॉम यू नो द स्टेशन. मतलब इतनी अच्छी प्लानिंग कर रखी है यहाँ के सिस्टम ने. स्टेशन के साथ ही स्टेडियम है, चढ़ के जाना. हम लोग स्टेडियम की तरफ जा रहे थे एंड नो डाउट सनी डे था बट इतना ज़्यादा विंडी, इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, ठंड उतनी ज़्यादा. ऐसे हम धीरे धीरे स्टेडियम की तरफ जा रहे थे, बहुत सारे स्पॉन्सर्स यू नो लोग वॉलेंटियर्स खड़े थे, शेक कर रहे थे हैंड शेक एंड यू नो दिस थिंग. और बहुत सारे लोग अपनी अपनी कंट्री को यू नो रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी के पास फ्लैग था, किसी ने कैप पहनी हुई थी, यू नो होल्डिंग डिफरेंट थिंग्स टू रिप्रेजेंट यू नो देयर कंट्री. एंड हम लोग अपनी जिस रो में हमें बैठना था, जिस तरह के हमें बैठना था, हम उसकी तरफ जा रहे थे. एंड हमारा जो नंबर था एंट्री का, एंट्री गेट, वो था 34 विच इज़ ऑपोजिट साइड फ्रॉम द लोअर सीट वंस. एंड यहाँ पे हम लोगों ने अपनी यू नो 34th गेट पे एंट्री की. एंट्री करने के बाद जब हम अंदर एंटर हमने किया एंड द सीनेरियो, द सीन, ओ माई गॉड, रियली रियली सच अ ब्यूटिफुल थिंग. एंड फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने पहली बार स्टेडियम देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड बहुत अच्छा लग रहा था यू नो. हमने अपनी सीट्स वगैरह देखी, वहाँ गए, सीट्स आर वेरी कम्फर्टेबल, व्यू भी अच्छा आ रहा था, सब कुछ ऑल ओवर वेरी वेरी गुड. जो मैच चल रहे थे नेदरलैंड एंड यूएसए में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था. वुमेंस जिस तरह से खेल रही थी यहाँ पे, प्ले कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा था, बहुत ज़्यादा. एक्चुअली मैच सबसे पहले अगर हम देखें यूएसए काफ़ी अच्छा प्ले कर रही थी बट द नेदरलैंड ने आके जो अपना पावर दिखाई, मतलब उसने पहली बारी में विद इन 15 मिनट्स उन्होंने अपना फर्स्ट गोल कर लिया था. एंड जैसे जैसे गेम चलती रही, ब्रेक्स आती रही एंड लास्ट यू नो लास्ट 15 मिनट्स में यूएसए ने अपना गोल किया. एंड एट द एंड क्या हुआ, दोनों में टाई हो गया एंड द मैच इज़ ओवर. बट क्वाइट इंटरेस्टिंग. सो मुझे अच्छा लगा, दिन बहुत ज़्यादा अच्छा रहा. हम लोग ऐसे यू नो इस साइड आए, दिया, रिलैक्स किया एंड फिर वापस अपने घर की तरफ आ गए. सो ये था मेरा लास्ट ब्लॉग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.